वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड 19 संक्रमण के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ की चर्चा। वैक्सीनेशन को बढ़ाकर कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम के दिए निर्देश। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर रिश्वतखोरी का वीडियो हुआ वायरल। सीएमओ ने कहा, टीम गठित कर की जा रही है जांच, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कैंपियरगंज थाना में मिला महिला का शव शिनाख्त नहीं। सीओ कैंपियरगंज ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बुधवार को कोविड 19 के प्रबंध, गेहूं क्रय की स्थिति, प्रदेश में विभिन्न एयरपोर्ट के विकास, सी प्लेन संचालन हेतु रूट का निर्धारण सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे रामगढ़ ताल में जलकुंभी के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा ताल की सुंदरीकरण के मद्देनजर मंडलायुक्त जयंत मार्लिकर ने किया ताल का निरीक्षण। ताल के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के साथ साफ सफाई और जलकुंभी निकालने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रत्येक बूथों पर तैनात किए गए हैं 4 मतदान कर्मी। बूथों पर उपलब्ध रहेगी सभी सुविधाएं, सकुशल संपन्न होगा मतदान। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का हुआ आवंटन। किसी को मिला कप और प्लेट तो किसी को कुल्हाड़ी। खजनी से भावी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी अंशु सिंह हुई निर्विरोध बीडीसी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को दिया गया प्रशिक्षण, दी गई चुनाव संबंधित जानकारियां। गोरखनाथ थाने का पुराना भवन जमींदोज करके नया भवन बनाने के लिए शासन ने 21 करोड़ रुपए किए अवमुक्त। बुधवार से शुरू हुआ कार्य, थाना प्रभारी ने बताया, नया भवन बनने से फरियादियों सहित पुलिस कर्मियों को भी मिलेगी सहूलियत। शासन के निर्देश पर 8 और 9 अप्रैल को जिला अस्पताल सहित सभी केंद्रों पर किया जाएगा पत्रकारों का कोविड टीकाकरण। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने दी जानकारी। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी का चुनाव हुआ संपन्न। कृष्ण कुमार त्रिपाठी अध्यक्ष तो जोगेंद्र कुमार मिश्र ने महामंत्री पद पर लहराया जीत का परचम। एसएसपी ने बुधवार को कोविड 19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत नौकायान, पैडलेगंज और मोहद्दीपुर सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर पैदल किया गश्त, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों को दूसरे दिन भी योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह तथा एनेक्सी भवन में 3 शिफ्टों में दिया गया प्रशिक्षण। मुख्य प्रशिक्षक ने कहा, 14 अप्रैल को कार्मिक आवंटित ब्लॉक पर पहुंचकर करेंगे रिपोर्ट, 15 अप्रैल को अपने बूथ पर कराएंगे मतदान। जिला अस्पताल सहित प्राइवेट हॉस्पिटल में 45 साल से ऊपर के नागरिकों का किया गया कोरोना का वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, 1,80,000 नागरिकों का हो चुका है वैक्सीनेशन, नहीं हुई कोई दिक्कत। गोरखपुर में बुधवार को मिले 199 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 22,623। अब तक 369 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 942 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह सप्ताह के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर आयोजित हुआ संगोष्ठी। वर्चुअल माध्यम से जुड़े दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के आचार्य, नई शिक्षा नीति पर हुई चर्चा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ ने बुधवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर किया धरना प्रदर्शन। सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन में हुए शामिल, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मैच में स्टार स्पोर्टिंग क्लब भगवानपुर ने सीएफ सिटी चरगावा को तथा आदर्श क्लब बेलवार ने राजपूत स्पोर्टिंग क्लब पीपीगंज को किया पराजित।